नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया पर हमारा सबसे खास शो कुंडली एनालिसिस। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। आंखें बंद कर सुकून का अनुभव करना, चहचहाती चिड़िया, लहलहाते खेत और गालों को हल्के से सहलाने वाली वो हवा के झोंके को महसूस करना, ऐसा लगता है ये सब अब कुछ पुरानी बातें हो चुकी हैं। इस बदलती विकासशील दुनिया में इंसान इतना व्यस्त हो चुका है, इतना बिजी हो चुका है कि वो सुकून का असली मतलब भूल चुका है। अब उसकी समझ के परे है कि आखिर सुकून का असली अर्थ है क्या। वो दिन रात भागता है, दौड़ता है पैसा, परिवार और भौतिक सुख के पीछे, लेकिन जब बात आती है आत्मसंतुष्टि की, चैन की, सुकून की, तो इंसान की सुई भविष्य पर आकर रुक जाती है कि आखिर भविष्य कैसा होगा। बस फिर क्या, वो किसी खेवैये की तरह जुट जाता है सवाल रूपी भव सागर को पार करने में और उस नौका को किनारे तक पहुंचाने में उसे कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है। पर आप घबराइए मत, क्योंकि न्यूज इंडिया ने ये बीड़ा उठा लिया है आपकी नौका को भव सागर से पार कराने का, आपके मन को सुकून दिलाने का, आपके भविष्य को बताने का। और आज हम इस कुंडली एनालिसिस में आपको बताएंगे आपके सवालों का जवाब और साथ ही जानेंगे अपने ग्रहों की चाल और भविष्य का हाल। और आपके सभी सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ गेस्ट का एक खास पैनल जुड़ा हुआ है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिष विशेषज्ञ अलंकृता जी और साथ ही ज्योतिषी विशेषज्ञ डॉक्टर ऋतु सिंह जी। तो देर किस बात की है, चलिए उठाइए अपना फोन और लगाइए कॉल और पूछिए अपना सवाल। जिनसे आप अपना सवाल पूछना चाहते हैं आप पूछ सकते हैं, क्योंकि हमारे फोन लाइंस लगातार एक घंटे तक के लिए खुली हुई हैं और आप आराम से फोन लगाकर सवाल पूछ सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आप दोनों का स्वागत करना चाहूंगी और स्वागत के साथ ही ऋतु जी आपके साथ शुरुआत करना चाहूंगी। 2024 जो है अब हम मध्यम में है, यानी कि बिल्कुल सेंटर में है और अब ये साल भी समाप्त की ओर बढ़ रहा है। ऐसे में अब ये साल जो कुछ महीने बचे हुए लोगों के पास, ये आगे कैसा रहने वाला है लोगों के लिए, किन राशियों के लिए, किन कुंडलियों के लिए थोड़ी परेशानी बढ़ेंगी और किन के लिए फिलहाल ये वक्त और अच्छा होने वाला है। जय श्री महाकाल। सबसे पहले न्यूज़ इंडिया के सभी दर्शकों को का बहुत धन्यवाद। देखिए पूजा जी, अगर हम बात करें 2024 जो साल चल रहा है और आधे से ज़्यादा बीत चुका है, तो अभी हम 2023 से ही जो शनि का गोचर कुंभ में लगा हुआ है तब से कुछ राशियां बहुत परेशान हैं, बहुत स्ट्रगल फेस कर रही हैं। और अगर ज्योतिषीय दृष्टिकोण से देखें तो ये मंगल का वर्ष चल रहा है, मंगल इस वर्ष के राजा हैं और शनि मंत्री हैं। तो जब भी शनि मंगल की युति होती है राजा और मंत्री के रूप में, तो उस समय थोड़ी बहुत ज़्यादा उठापटक रहती है, उथल पुथल रहती है। अगर हम अपनी इंडिविजुअल कुंडली की भी बात करें तो भी परेशानी रहती है, साथ ही साथ देश दुनिया में भी बहुत सारी घटनाएं होती हैं, जैसे आगजनी हो गई, भूकंप हो गया, एक्सीडेंट्स हो गए, इस तरह की परेशानियां लगातार और मानसिक परेशानियां भी। लेकिन बहुत समय नहीं है, 2025 जनवरी के बाद जब शनि का गोचर मीन राशि में होगा तो लोगों को बहुत ज़्यादा सुकून मिलेगा, क्योंकि ये जो लगातार परेशानियाँ 2020 से लेके जब भी शनि का गोचर मकर और कुंभ अपनी स्वराशि में होता है तो इस तरह की परेशानियाँ होती हैं देश दुनिया में। हमारे साथ एक कॉलर है संजय, पलवल से जुड़ गए हैं, उनका कुछ सवाल है और वो पूछना चाहते हैं। पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं संजय जी? हाँ मैडम, मैं मेरा 30/11/1966 और 8:56 PM 8:56 PM शाम को ठीक है। अच्छा, कहाँ पर जन्म आपका? कानपुर में। तो मेरा ये सवाल है कि मेरे पास नौकरी भी नहीं है और बहुत परेशान हूँ, तो मेरे को बिजनेस आगे कैसा रहेगा, बिजनेस और किस चीज का करना चाहिए बिजनेस? अच्छा, और मेरी बेटी की शादी कब तक होगी? अच्छा, दो सवाल हैं आपके जी। देखिए, क्या नाम बताया आपने अपना? संजय।
संजय जी, एक्चुअली आपका जो आपकी जो लगन कुंडली बनी है कर्क राशि की है और आपका चंद्रमा 12वें भाव में है, तो इसमें हम बिजनेस को बहुत ज़्यादा नहीं बोलते हैं कि बिजनेस आपके लिए बहुत अच्छा होगा, आपके लिए जॉब ज़्यादा अच्छा है, लेकिन किसी कारणवश अगर आप अभी नौकरी नहीं कर पा रहे हैं तो मेरा आपको एक सजेशन है कि अगर आप बिजनेस ही करना चाहते हैं तो आप अपनी पत्नी के नाम से कर सकते हैं या अपनी पुत्री या अपने बेटे के नाम से कर सकते हैं, क्योंकि आपके नाम से मुझे नहीं लग रहा कि आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि जब भी हम बिजनेस करते हैं तो चंद्रमा और बुध की स्थिति बहुत अच्छी होनी चाहिए, जो कि आपकी कुंडली में बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि कर्म, अगर आप कर्म करते हैं, मेहनत करते हैं, तो यहाँ पे बस ये कि आपको मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी और कुछ उपाय करने पड़ेंगे। सावन का पवित्र मास चल रहा है, अगर आपने पूरा मन बना लिया है कि आपको बिजनेस करना है तो भगवान शिव का रुद्राभिषेक कीजिए, दूध और गंगा जल से उनका अभिषेक कीजिए, एक चांदी का सिक्का अपनी मदर्स के हाथ से लेके अपने पास रखिए और चांदी के गिलास में पानी पीजिए, कुछ ऐसे उपाय कीजिए तो आपका बिजनेस भी ठीक होगा। और अगर आप समय पूछना चाहते हैं कि कब ठीक है, तो मेरे हिसाब से 2025 फरवरी के बाद अगर आप बिजनेस शुरू करते हैं अपना, तो मुझे लगता है कि उसमें आपको रिजल्ट बेहतर मिलेंगे बजाय अभी शुरू करने के। और आपकी बेटी की शादी की अगर हम बात करें तो एक तो आपकी बेटी की डिटेल्स सही है, फिर भी लेकिन आपकी कुंडली से लग रहा है कि आपकी बेटी की शादी अगले साल नवंबर के बाद होने के चांसेस हैं। अगले साल? हाँ, मैं उसकी बेटी का मैं बता देता हूँ, 5:27 है। अच्छा, आप पहले तिथि बताइए, उनकी डेट बताइए। उसकी 1/11/1997 1 नवंबर 1997। अच्छा, क्या टाइम बताया आपने इनका? 5:27 AM देवी कानपुर। अच्छा ठीक है, कानपुर के हैं। देखिए, आपकी बेटी की कुंडली के हिसाब से भी आपकी जो बेटी की शादी का योग है, देखिए रिश्ता तय तो हो जाएगा आपका 2025 जनवरी से पहले पहले रिश्ता तय हो जाएगा, लेकिन शादी जो होगी वो नवंबर के बाद ही नज़र आ रही है, लेकिन रिश्ते अच्छे आएंगे, आफ्टर जनवरी रिश्ते आने शुरू हो जाएंगे और अगले साल शादी हो जाएगी आपकी बेटी की। लेकिन इनको भी थोड़े से उपाय की ज़रूरत है, शनिवार के दिन इनसे आप थोड़ा दान करवाए कीजिए, या काले तिल का दान या काली उड़द का दान, या फिर किसी भी स्वीपर को 80 रुपये आप दिलवाना शुरू कर दीजिए एवरी सैटरडे, तो इनकी शादी में जो बाधा दिख रही है वो दूर हो। ठीक है, आशा तिवारी हमारे साथ भोपाल से जुड़ गई हैं, एक और कॉलर है। पूछिए आशा जी, क्या पूछना चाहती हैं? जी, मैं मेरे पति के बारे में पूछना चाहती हूँ। हेलो अलंकृता जी, मैं चाहूंगी जवाब आपके। जी, हेलो, क्या नाम है आपके पतिदेव का? प्रशांत तिवारी। प्रशांत तिवारी जी, जी उनकी डेट ऑफ बर्थ बताइए। 28 दिसंबर 1972। 28 दिसंबर 1972, क्या जानना चाहती हैं आप उनके बारे में? इनका जन्म स्थान मूर्तिजापुर महाराष्ट्र में है। जी जी, इनका है ना धंधा बिल्कुल भी नहीं चल रहा है और परेशानी बहुत आ रही है, और है ना आए दिन इनकी दिक्कतें बढ़ जाती, कहीं पे भी कुछ भी लड़ाई हो जाती बिना फालतू में, कुछ भी हो रहा है उल्टा सुलटा। जी जी, आपका नाम क्या है? प्रशांत तिवारी। इनका नाम प्रशांत तिवारी, आपका नाम क्या है? आशा तिवारी जी, जो अपने पतिदेव प्रशांत तिवारी जी को लेके बहुत चिंतित हैं, आइए देखते हैं क्या कहते हैं उनके सितारे टायरों के माध्यम से। टायरों बताएं प्रशांत तिवारी जी क्यों अपने कार्य क्षेत्र में परेशान हैं, क्या उनकी जीवन में कार्य में सफलता मिलेगी, या फिर उनका जो ये गुस्सेल नेचर है वो ठीक हो पाएगा या नहीं, देखते हैं क्या कहते हैं आपके सितारे। आशा जी, पहले तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, यहाँ मैं आपको ये कहूँगी कि देखिए कई बार जीवन में ऐसा होता है, वक्त का काम तो गुजरना होता है, अच्छा है तो आप जो है शुक्राने करिए, बुरा है तो सब्र करिए, कई बार सब्र से बहुत कुछ प्राप्त हो जाता है। यहाँ देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कहते हैं, लेकिन तो ये रहे आपके कार्ड्स, देखिए सेक्रीफाइस कार्ड सबसे पहले आया है, आप भी उन्हें लेके परेशान हैं, तो पूरे घर की ऊर्जा आपकी बिगड़ी हुई है, और दिल पे तीर का कार्ड आया है, लेकिन आने वाला समय आपका मजबूत नज़र आ रहा है, यानी इस साल के अंत तक। देखिए ये
वीड्स कार्ड आया, सबसे पहले आप अपने घर की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है उसे दूर करने के लिए अपने घर में कोई भी अनावश्यक चीज़ मत रखें, उनकी सफाई कर दें, इनके कपड़े जूते दान कर दें, चारों ओर अपने घर में थोड़ी सी हल्दी और रॉक सॉल्ट आप लगा दें, अपने घर के बाहर रोज़ाना 21 दिन तक आप दीपक जलाएं, और उसके साथ साथ सावन का महीना है तो आप सोमवार के दिन या जिस भी दिन आप शिवलिंग पे गन्ने का रस और गुड़ चढ़ाएंगी तो उससे भी इनके कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी, और लगातार 21 दिन ये अगर लिख कर सोएंगे कि मैं अपने कार्य क्षेत्र में सफल हो रहा हूँ, ऐसा 21 बार 21 दिन तक लिखेंगे तो आप देखेंगे कि 21वें दिन के बाद 22वें दिन से ही सुधार होने लगेगा, इनको तरक्की मिलने लगेगी। एक श्रीयंत्र अगर आपको मिलता है तो श्रीयंत्र अपने मंदिर में रख दें, जिससे कि आप देखेंगे कि आपके घर में अगर धन धान्य में वृद्धि नहीं हो रही तो वृद्धि होने लगेगी, और इसके साथ साथ आप एक 10 के नोट की गड्डी अगर अपने मंदिर में रख देंगी इस कामना के साथ कि आपके घर में लक्ष्मी का वास हो और उन्नति होती रहे, तो आप देखेंगे आपको फायदा पहुंचेगा। लेकिन फिलहाल जो आपके घर का वास्तु है और बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जा है उसे आपको दूर करने के लिए फायर एलिमेंट 21 दिन तक आपको घी का दीपक घर में भी जलाना है और अपनी चौखट में भी। आप देखेंगे धीरे धीरे इनकी नेचर जो है वो अगर आप चाहते हैं गुस्सा जो इनको आता है वो बेहतर हो जाए, उसके लिए आप पानी के अंदर थोड़ा सा शहद और कच्चा दूध लगातार ये जितने दिन भी उससे स्नान कर सकते हैं थोड़ा सा ही चलेगा, तो उससे आप देखेंगे इनके नेचर में सुधार होने लगेगा। जब भी आप अपने हाथ से इनको पानी दूध या चाय पिलाएं तो उसमें भी इंटेंशन डालें, कोशिश करें कि चांदी का ग्लास इस्तेमाल करें, चांदी जो शीतलता पहुंचाती है, तो उसमें इस इंटेंशन के साथ आप इनको जल या दूध जब पिलाएं तो उसमें जब आप चीनी घोलें तो ये इंटेंशन डालें कि इनका गुस्सा जो है वो शांत हो रहा है, इनका स्वभाव जो है वो नम्र हो रहा है, तो आप देखेंगे धीरे धीरे इनका स्वभाव भी नम्र होने लगेगा और इनका गुस्सा शांत होगा और इनके कार्य क्षेत्र में भी वृद्धि होने लगेगी। मेरी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, आशा करती हूँ कि आपकी ये समस्या दूर होगी। आशा जी, जी बिल्कुल, देखिए अलंकृता जी अभी जी। तो बहुत से ऐसे कॉलर्स हैं जो हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन एक जब हम टैरो कार्ड रीडिंग की बात करते हैं तो बहुत से लोग ऐसे जिन्हें अपना डेट ऑफ बर्थ मालूम नहीं होता या टाइम शायद उन्हें मालूम नहीं होता, तो ऐसे में अगर टैरो कार्ड रीडिंग की बात करें तो जनरल रीडिंग इस बार कई सवाल हैं जैसे शादी कब तक हो सकती है, क्या उपाय हम कर सकते हैं, या फिर अगर बिजनेस आगे बढ़ना है, जॉब लगनी है, तो इसको लेकर जो एक जनरल उपाय जो हर व्यक्ति कर सकता है वो एक बार अगर आप बता पाएं तो। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। जनरल उपाय देखिए, सबसे पहली बात हमको ये समझनी पड़ेगी कि जैसे ही हमारी आसपास की ऊर्जा होती है, फ्रिक्वेंसी होती है, वाइब्रेशन होती है, वैसी ही वाइब्रेशन हम अट्रैक्ट करते हैं। तो अक्सर हमने देखा है कि हमारे आसपास के लोग जो वो कर रहे हैं उससे संतुष्ट नहीं होते, अपने बिजनेस से संतुष्ट नहीं होते, कहीं जॉब कर रहे हैं तो संतुष्ट नहीं होते। तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि जो जिंदगी आप जी रहे हैं वो किसी और का सपना है, कोई और वो करना चाहता है लेकिन कर नहीं पा रहा, तो शुक्राने यानी ग्रैटिट्यूड बहुत जरूरी है। आपकी जिंदगी में थोड़ी सी भी उपलब्धि आपने की है तो उसके शुक्राने करें, प्रभु को धन्यवाद करें, अपने खुद को धन्यवाद करें। हम लोग खुद के साथ बहुत ज्यादा अपेक्षा लगा लेते हैं कि हमें ये करना है, हम ये नहीं कर पा रहे, लेकिन जो हम कर रहे हैं जब हम उसे देखेंगे कि हाँ हम अपनी ज़िंदगी में ये कर रहे हैं इसके लिए धन्यवाद, ये हमारी ज़िंदगी में आ रहा है इसके लिए धन्यवाद, और जीवन जो है वो कल में नहीं है आज में है, अगर आप अपना आज सुधारेंगे। वो कहते हैं छोटी छोटी उपलब्धि से ही बड़ी कामयाबी मिलती है, तो यानी जीवन में अगर आज आप कोई कलयुग है, कर्मों का प्रभाव सबसे ज़्यादा प्रभावशाली है, छोटा सा अच्छा कर्म आपको पूरे दिन की संतुष्टि दे सकता है और पूरा दिन आपका आगे के दिनों को बना सकता है। तो यहाँ आपको एक चीज़ का जो सभी लोगों को जनरली ख्याल रखना है वो ये है कि ईश्वरीय कर्म करते रहें, जैसे कि आप पशु पक्षियाँ, आपके आसपास कोई गरीब है, ये आप ये समझिए कि आपकी एक मॉरल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, उसके साथ साथ आपके कर्म भी सुधरते हैं, आपके प्रारब्ध के कर्म भी सुधरते हैं। जब आप आज किसी की 100 रुपये की मदद करेंगे कहीं ना कहीं से आपकी 1000 रुपये की मदद अपने आप हो जाएगी, क्योंकि ये जो जीवन है पैसा भी जो है वो ऊर्जा है, वो एनर्जी है, आप किसी को देंगे वो किसी को देगा, लौट के आपके पास वापस आएगा, तो ये साइकिल है। आज आप किसी का अपमान करेंगे तो आपके पास भी कहीं से वो लौट के आएगा, तो जो आप कर्म कर रहे हैं उनका ख्याल रखिए।
जो आपके पास है उसके शुक्राने आप करते रहें, और इसके साथ साथ छोटे छोटे ईश्वरीय उपाय, जैसे सावन का महीना चल रहा है तो जो लोग शिव भक्त हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है, वो अपना आगे का समय सुधार सकते हैं। आप रुद्राभिषेक करें, आप महामृत्युंजय का जाप अपने घर करवाएं, आप जो है लगातार आप सिर्फ ओम नमः शिवाय का जाप ही कर लेते हैं पूरे दिन 108 बार, तो उससे भी कल्याण आपके घर में होने लगता है। आप जी श्याम हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से, पूछे श्याम क्या पूछना चाहते हैं आप? नमस्कार जी। नमस्कार जी। जी नमस्कार। मैंने अपने बेटे के बारे में पूछना है। उसका नाम तरुण है और उसका बर्थडे है 12 अगस्त 1990। 12 अगस्त 1990। हाँ जी, सुबह 7:15 का टाइम है जी। सुबह 7:15। ठीक है ठीक है। प्लेस क्या है, बर्थ प्लेस? दिल्ली। दिल्ली है जी। दिल्ली नहीं, दिल्ली। क्या जानना चाहते हैं आप श्याम जी? अच्छा, ये ना एक तो इसकी सीए पूरी नहीं हो रही, 2-3 बार फेल हो, मन नहीं लगता पढ़ने में। दूसरा ये बिल्कुल, पहले रामायण पाठ भी करता था, मंदिर भी जाता, अब कुछ दिनों से बिल्कुल मत्था टेकना बंद कर दिया जी इसने। अच्छा। बिल्कुल मानना ही बंद कर दिया जी इसने। अच्छा, सीए कर रहे हैं आपके बेटे? हाँ जी। क्या पढ़ाई कर रहे हैं? वो सीए कर रहा था, उसकी सीए कम्प्लीट नहीं हो रही, उसका ना पढ़ने में मन नहीं लग रहा। देखिए, इनकी चंद्रमा में गुरु की दशा चल रही है, और चंद्रमा की दशा में श्याम जी मन बहुत चंचल हो जाता है, हम कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं, चाहे वो स्टडी हो या हमारा कोई वर्क हो, तो उसके लिए कुछ चंद्रमा के उपाय करने बहुत ज़रूरी होते हैं। वैसे आपका बेटा, आपको बहुत चिंता की ज़रूरत नहीं है, कुछ समय की स्थिति खराब चल रही है, आफ्टर 2-2.5 साल के बाद आप देखेंगे बहुत चेंजेस आएंगे इनमें। जब भी गोचर मीन से मेष में होगा 2027 के बाद, अगर मैं बोलूं तो इनका जो आप चाह रहे हैं कि कहीं इनका प्रॉपर फोकस हो, मन लगे या जॉब मिले, तो वो जो चांसेस हैं आपकी इनकी कुंडली के हिसाब से। और देखिए, सिंह लगन की कुंडली है तो ये बच्चे थोड़े बहुत ज़िद्दी होते हैं और जल्दी सुनते नहीं हैं। आप बहुत ज़्यादा अगर इनको ऑर्डर करेंगे तो ये नहीं मानेंगे, अगर आप इनको लॉजिक दे के प्रेम से अगर आप समझाएंगे तो ये आपकी बात मानेंगे। और केतु 12वें भाव में है तो ऐसा नहीं है, पूजा पाठ अगर आपको लगता है कि अभी ये मत्था नहीं टेक रहे हैं कोई बात नहीं है, लेकिन ये स्पिरिचुअल है। और कुछ समय बाद देखिए, हमारी जो लाइफ चलती है ना श्याम जी, वो हमारी दशाओं के हिसाब से चलती है। जिस प्लेनेट की जो दशा आती है वैसे ही हमारे मन हमारा वैसा हो जाता है, हमारे लाइफ में वैसी सिचुएशंस आने लगती हैं, तो थोड़ा सा पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। ये दशा इनकी देखिए, अभी जुलाई 2025 के बाद भी आपको चेंजेस नज़र आएंगे, लेकिन पूजा पाठ को लेकर आप चिंतित मत होइए, क्योंकि कुछ समय बाद आपको ऐसा लगेगा कि ये पूजा पाठ बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, ये कुछ समय की दिक्कत है। और दूसरी बात है, सीए जो आप इनको करवा रहे हैं वो इनकी कुंडली के हिसाब से मुझे नहीं लगता कि बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि शनि इनका सप्तमेश है और जो इनकी पोजीशन है सातवें और छठे घर का स्वामी है शनि, तो मुझे नहीं लग रहा कि इनका बहुत इंटरेस्ट होगा सीए करने में। इनका तो देखिए शुक्र से संबंधित कोई बिजनेस में इंटरेस्ट होना चाहिए, या फिर ऐसा हो गया करियर कुछ, जैसे होता है ना फैशन डिजाइनिंग हो गया, इंटीरियर हो गया, या कोई रेस्टोरेंट वगैरह डालना, इस तरह का कुछ इनके मन में होगा, वो इनके लिए अच्छा भी है। तो अगर सीए में बार बार नहीं कर पा रहे हैं तो कुछ ऐसा ऑप्शन है, तो आप इनको कुछ और इनका जो करियर है वो आप चेंज करवा सकते हैं। और कुछ उपाय जी कर रहे हैं, जॉब तो कर रहे हैं वैसे। अच्छा, जॉब कर रहे हैं? नहीं नहीं, आगे ये तरक्की भी बहुत करेंगे। अभी देखिए कुछ चीज़ें हैं, एक तो इनको जो है आप कुछ 2-3 उपाय करवाइए, हनुमान जी के दर्शन या मंगलवार को इनके हाथ से हनुमान जी पे चोला चढ़वा दीजिए आप, कम से कम 5 मंगलवार चढ़वाइए, तो इनकी जब मंगल की स्थिति अच्छी होगी तो ये एक तो कॉन्फिडेंट होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं इनका कॉन्फिडेंस भी बहुत लो हो जाता है, ये कुछ करना चाहते हैं लेकिन कहीं ना कहीं इनको लगता है कि ये उसके लिए कैपेबल नहीं है, तो हनुमान जी की पूजा से इनके अंदर एक शक्ति आएगी। और चंद्रमा राहु नवांश में है तो देखिए, एक नारियल हो सके तो भगवान शिव पे नारियल का जो पानी है वो अर्पित करवाइए, और इनके हाथ से आप कभी भी शहद का अभिषेक, इस मंथ में सावन में आप दूध और पंचामृत से अभिषेक करते हैं लेकिन शहद की मात्रा थोड़ा ज़्यादा रहे उसमें, तो आप शहद से अभिषेक कराइए भगवान शिव का। और ऐसा नहीं है, आप अगर कहेंगे तो ये करेंगे, लेकिन प्यार से और लॉजिक समझाते हुए करेंगे तो ये अवश्य काम करेंगे। बुद्ध इनका अच्छा है, इनका बस करियर लाइन जो है वो इन्होंने सही चूज नहीं किया है, तो उसमें आप देखिए कि इनको क्या ऑप्शन आप अलग से दे सकते हैं। ज़बरदस्ती मत करवाइए, अगर आपको लग रहा है सीए में बार बार फेल हो रहे हैं तो ज़बरदस्ती मत करवाइए, क्योंकि ज़बरदस्ती ये संभावना नहीं दिख रही है इनकी। मंजू हमारे साथ जुड़ गई हैं दिल्ली से, पूछिए मंजू क्या पूछना चाहती हैं आप? हमारी बेटी विधि बाल्यान के लिए पूछ रहे हैं,
पूछे। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 12 मई 2004, समय हमको 6:30 और उनका जन्म स्थान है शामली उत्तर प्रदेश। फिलहाल हमारी बेटी मकेश करीब है 3rd ईयर में, तो मुझे पूछना है कि भविष्य में क्या करेंगे। मंजू जी आपकी आवाज ठीक से नहीं आ पा रही है, आप एक एक करके ठहराव के साथ अगर बताएंगी तो हमारे लिए भी आसान होगा। पहले आप नाम बताइए, नाम क्या है? हमारी बेटी के लिए पूछना है मैम मुझे। हाँ पूछिए। आपको सुन रहे हैं, उनका नाम है रिद्धि बालियान। रिद्धि बालियान नाम है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ बताइए। 12 मई। डेट ऑफ बर्थ है 12 मई 2007। 12 मई 2007, ठीक है। टाइमिंग बताइए। 2004 बोला मैंने और टाइमिंग है 6:30 PM। क्या जानना चाहती है, क्या पूछना चाहती है आप, पूछिए सवाल पूछिए। और शामली उत्तर प्रदेश उनका डेट ऑफ बर्थ है। क्या जानना चाहती इंजीनियरिंग कर रही है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग 3rd ईयर। तो भविष्य में वो क्या करें, सिविल सर्विस के लिए प्रिपेयर करें या कुछ और करें, ये पूछना चाहिए। ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग अभी कर रही है, आगे करियर कैसा रहने वाला है, क्या होगा। रिद्धि बालियान जी की माता श्री मंजू जी अपनी बिटिया के लिए थोड़ा सा परेशान हैं, जैसे कि हर माता पिता अपने बच्चों के लिए कंसर्न होता है, और खासकर बात करें करियर की तो बहुत ज़्यादा कंसर्न है आज के पेरेंट्स अपने बच्चों के करियर को लेके। लेकिन यहाँ देख लेते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। रिद्धि बालियान जी जिनका जन्म 12 मई 2007 को हुआ है, और ये कैसा अपने करियर में करेंगी, कार्ड्स बताएं कैसा रहेगा इनका करियर। अच्छा कर रही हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रही हैं ऑलरेडी, बहुत कम लड़कियां मैकेनिकल इंजीनियरिंग करती हैं। यहाँ देख लेते हैं इनके कार्ड्स क्या कहते हैं रिद्धि जी के। रिद्धि बालियान जी का करियर कैसा रहने वाला है और ओवरऑल इनकी लाइफ कैसी रहेगी, कार्ड्स बताएं। तो यहाँ आपके सामने देखिए बाहर जाने के इनके योग मुझे दिख रहे हैं, यानी विदेश के योग दिख रहे हैं। बहुत सारी बातें ये अपने मन में छुपा लेती हैं, बताती नहीं हैं, बहुत सारा टैलेंट इनके अंदर अभी छुपा हुआ है, तो ये अपने पोटेंशियल का पूर्ण रूप से फिलहाल यूज़ नहीं कर रही हैं, बहुत इंट्रोवर्ट हो जाती हैं कभी कभी। आइए देखते हैं आगे के इनका करियर कैसा रहने वाला है। तो ये रहे इनके कार्ड्स जो मैं उठा रही हूँ लाइव, रिद्धि बालियान जी के कार्ड्स। देखिए क्या है कि कुछ समय बाद यानी कि अराउंड अगले साल के मध्य में इनकी किस्मत बिल्कुल बदलेगी। व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड आया है, सब कुछ इनकी ज़िंदगी में बदल जाएगा। इनकी जॉब भी या बहुत अच्छी लगेगी, या खुद का स्टार्टअप अगर ये करें तो और भी अच्छी बात है। तो कार्ड्स अच्छे हैं, लेकिन फिलहाल थोड़ा सा आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। इनके हाथ से कुछ कोयला और कुछ कच्चा दूध आप बहते हुए पानी में बहा दें, क्योंकि दान और पुण्य का कार्ड आया है, यानी कि इनके हाथ से आपको कुछ फल या फिर कुछ अन्न ज़रूर दान कराना चाहिए, खासकर थर्सडे के दिन करेंगी तो देखेंगी कि इनका शुक्र जो है वो भी बेहतर होगा। और उसके साथ साथ अगर ये आगे बढ़ना चाहती है तो सिट्रीन अगर ये धारण करेंगी, सिट्रीन या कार्नेलियन, आप सुन सकते हैं सिट्रीन या कार्नेलियन, जो पीला और ऑरेंज कलर का क्रिस्टल है, इजीली अवेलेबल है, उसका ब्रेसलेट धारण कर सकती हैं, उसकी रिंग पहन सकती हैं, तो देखेंगे करियर जो है ये दोनों क्रिस्टल्स जो हैं करियर के लिए बहुत अच्छे होते हैं, करियर में इनके बूस्ट आएगा। साथ ही जब आप इनको अपने हाथ से भोजन देती हैं तो उस समय आप एक इंटेंशन डालिए कि ये अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रही है, ये अपने काम को आगे बहुत बढ़ाएगी, और जो ये आज एजुकेशन ले रही है उसको भी तरीके से संपन्न कर पाएगी, तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। इसको आप घर में भी, ये जनरल भी बात है, जब भी आप जिस इंटेंशन के साथ अपने बच्चों को खाना देते हैं उसका पूरा असर उनके शरीर पे पड़ता है। तो यहाँ खासकर अगर रिद्धि को आप कॉफ़ी दूध चाय जो भी वो पीती हैं अपने हाथ से इस इंटेंशन के साथ देंगी कि ये उनकी लाइफ से हर पाप ग्रह का असर हटा रहा है, उनकी लाइफ बेहतर कर रहा है, तो माँ के अंदर सबसे बड़ी शक्ति होती है हीलिंग की। यानी आप ये कह सकते हैं कि अगर आप ये उपाय करती हैं तो रिद्धि को इसका फायदा जरूर होगा। और हमारे साथ तमाम कॉलर्स फिर से जुड़ेंगे, लेकिन वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद हम जल्द लौटेंगे। चलिए ब्रेक के बाद स्वागत के साथ ही धनराज शाह हमारे साथ पुणे से जुड़ गए हैं। कॉलर धनराज जी पूछिए क्या पूछना चाहते हैं, क्या है सवाल आपका। पहले जन्मतिथि आप बताइए अपनी। मेरे लड़के का नाम है मृणाल शाह,
और उसकी जन्म तारीख है 3 अक्टूबर 1994। ठीक है, टाइमिंग बताइए। टाइमिंग सुबह 5:12। प्लेस बताइए, कहाँ पर जन्म हुआ है? जन्म हुआ है पुणे। क्या पूछना चाहते हैं? हाँ एक मिनट, हाँ मैं माइक को। हेलो, हाँ पूछे, क्या पूछना चाहते हैं? हाँ वो मेरा बच्चा थोड़ा ऐसे नर्वस रहता है, 2 साल से ऐसे इतना अच्छा फैक्ट्री वगैरह हैंडल करता था, अभी काम देख जाने को ही नहीं बोलता है, मन ही नहीं लगता है उसका, और शादी करने को भी नहीं बोलते। अच्छा, बाकी है दिमाग बहुत है। क्या नाम है बच्चे का आपके? मृणाल शाह। मृणाल शाह, देखिए आपके बच्चे की जन्मपत्री कन्या लग्न की है और बहुत अच्छी जन्मपत्री है। बात वही है कि दशाएं जो अभी इनकी भी दशा जो चल रही है वो चंद्रमा में शुक्र की चल रही है, सूर्य इनके लग्न में बैठे हुए हैं, तो आपका बच्चा बहुत टैलेंटेड है, बहुत बोल्ड है, लेकिन पिछले करीब आप ये नोटिस कर रही होंगी 2.5 से 3 वर्ष से जो इनकी दशाएं चल रही हैं, जो ग्रह गोचर चल रहे हैं वो बहुत अनुकूल नहीं है। इस वजह से ये मानसिक रूप से परेशान है, कहीं ना कहीं जीवन में कोई ऐसी घटना इनके ज़रूर हुई है इन 4 सालों के अंदर अंदर, जिसकी वजह से ये डिप्रेशन में आए हैं और वो डिप्रेशन से ये बाहर नहीं आ पा रहे हैं। एक तो ये रीज़न है, तो सबसे पहले आपको इनके साथ बहुत फ्रेंडली बिहेवियर रखना चाहिए, बिल्कुल दोस्ताना व्यवहार आप पहले जानने की कोशिश कीजिए कि क्या रीज़न है। नहीं तो बहुत शार्प माइंड का बच्चा है आपका, और जिनका सूर्य लग्न में होता है वो बच्चे बहुत तरक्की करते हैं। तो ये कुछ समय है अभी आने वाला, और कम से कम 6 से 7 महीने अभी ये स्थिति रहने वाली है, लेकिन फिर भी आपके प्रयास बहुत जल्दी इनको निकाल सकते हैं इस कंडीशन से। और अगर उपायों की हम बात करें तो कुछ आप इनको उपाय करवाइए, सूर्य को जल दिलवाइए, रोज अगर ये सूर्य को जल देते हैं सुबह सुबह तो उससे भी इनका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। छठे भाव में केतु है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी रहते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, निर्णय नहीं ले पाते हैं, निर्णय क्षमता बहुत कम है इनकी। तो आपके आसपास अगर कोई नीम का वृक्ष हो तो उसमें इनसे 1 लोटा जल आप कहिए कि ये उसमें डाला करें, और डॉग्स जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं उनको नियमित रूप से बिस्किट खिला सकते हैं, कुछ भी खाने की रोटी खिला सकते हैं, साथ ही साथ चींटियों को अगर दाना डालें, और चींटियों को थोड़ा सा शक्कर, आटा और शक्कर मिला के डालना शुरू कर दें, और मंगल नीच का है तो हनुमान चालीसा का पाठ करिए। 2 उपाय इनके बहुत प्रोमिनेंट हैं, सूर्य को जल देना और हनुमान चालीसा का पाठ, जिससे आपको बहुत तुरंत ही परिवर्तन नज़र आएगा और बहुत जल्दी ये दोबारा से जैसे पहले थे वैसे हो जाएंगे। और थोड़ा सा सबसे बड़ी बात है, आप जानने की कोशिश कीजिए कि क्या इनके लाइफ में चल रहा है, क्योंकि अभी बहुत स्थिति बेहतर नहीं नज़र आ रही है कुंडली के हिसाब से। मानसिक उलझन में है, बहुत ज़्यादा मानसिक उलझन में है, चाहे जो भी रीज़न हो, लेकिन उस रीज़न से निकालने में आप ही लोग इनकी मदद कर सकते हैं, और आगे चल के ये अपना काम बहुत बेहतर ढंग से करेंगे। कोशिश कीजिए कि इनको सोमवार के दिन अगर हो सके तो सफ़ेद वस्तु जैसे दूध का दान करवा दीजिए इनके हाथ से। ठीक है, देखिए जिस तरह से उपाय बताए जा रहे हैं, उम्मीद करती हूँ ये उपाय आप करें ताकि आपको फ़ायदा भी हो। हमारे पास समय बहुत कम है, तो मैं चाहूँगी कि बहुत कम उपाय हम वही सटीक उपाय बताएं ताकि कॉलर्स जो ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ रहे हैं उन सबसे बात हमारी हो सके। प्रवीण हमारे साथ नोएडा से जुड़ गए हैं, पूछिए प्रवीण क्या पूछना चाहते हैं आप। हेलो जी, पूछिए। मैम मेरा बेटा है, उसकी डेट ऑफ बर्थ 16 अक्टूबर 1991 है। 16 अक्टूबर 1991, क्या जानना चाहते हैं प्रवीण जी आप? शाम का उसका समय है बर्थ का। बेटे का नाम बताइए। क्षितिज वशिष्ठ। क्षितिज, बहुत ही प्यारा नाम है, और क्या जानना चाहते हैं आप उनके बारे में? मैम एक्चुअली अभी तक सेटल नहीं हो पा रहे हैं, डिग्रीज कई हैं उसके हाथ में, और एक डिग्री करने इस वक्त भी लंदन में है जी, और जॉब वो ढूंढ रहे हैं इस वक्त वहाँ पर, तो जी. क्या मतलब आपके हिसाब से क्या अपेक्षाएं हैं, कब तक उनको जॉब मिल सकती है? आपने इनकी डेट ऑफ बर्थ बताई, 16 अक्टूबर 1991 में जन्मे क्षितिज विशेष जी, प्रवीण जी के पुत्र, जो अभी प्रवीण जी उनको लेके थोड़ा परेशान हैं, देखते हैं कि उनके टायरो क्या कहते हैं। टायरो बताएं क्या लिखा हुआ है क्षितिज जी की किस्मत में। तो ये रहे आपके कार्ड्स, करियर को लेके परेशान है क्षितिज जी, देखते हैं क्या कहते हैं उनके कार्ड्स। तो ये रहे आपके कार्ड्स जो मैं उठा रही हूँ। लक्ष्मी का कार्ड आया है,
देखिए, जिस भी इष्ट को सबसे पहले आप मानते हैं, सबसे पहले तो आप उनके मंदिर में जाइए, हो सकता है तो आज ही जाइए और वहाँ जाके इनके हाथ से कुछ फल और नारियल आप दान करवाइए और इस इंटेंशन के साथ जाइए कि आप पूर्ण रूप से उनको सरेंडर करते हैं, क्योंकि ये जो कार्ड आया है ये दिखा रहा है कि प्रोटेक्शन आपको मिलेगी और आप इनके लिए जो इंटेंशन अभी डाल रहे हैं वो ये डालें कि ठीक है, परेशान मत हो, कि कैसे भी है, कुछ भी है, ये कर लेगा। आप विश्वास इन पे रखेंगे तो कहीं ना कहीं वो ही वाइब्रेशन इनको जाएगी। समय इनका बहुत अच्छा आएगा, यानी कि इस साल के अंत तक आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं से योग बनेंगे और बहुत अच्छा पैसा ये कमाएंगे, ऐसा नहीं है। हाँ, परेशान ना हो, अपनी नेटवर्किंग ना छोड़ें, अपने दोस्तों से मिलें, अपने जानने वालों से मिलें, कुछ भी है घर से बाहर निकलें और आप देखेंगे नेटवर्किंग से ही जॉब अपॉर्चुनिटी बनेगी और जॉब अपॉर्चुनिटी इस साल के अंत तक बनेगी, पैसा ये कमाएंगे। और एक छोटा सा उपाय मैं बताती हूँ, अगर ये पुखराज धारण करेंगे और ख़ासकर थर्सडे के दिन ये करेंगे और साथ ही में आप अपने मंदिर में इस चीज़ का खास ख्याल रखें कि मंदिर में इनके हाथ से अगर ये डेली घी का दीपक जलाएंगे और साथ ही में सुबह सूर्य को अर्क देना शुरू करेंगे और जब वो अर्क दें तो उसमें थोड़ी सी हल्दी मिला लें, गंगा जल मिला लें और थोड़े से अक्षत यानी चावल मिला लें और उसके बाद ये अर्क दें, यानी कि जल्दी उठेंगे तभी सूर्य को अर्क दे पाएंगे। सूर्य जो है उन्नति का कारक होता है तो इस वजह से ये वाइब्रेशन इनकी चेंज होगी और धीरे धीरे आप देखेंगे कहीं ना कहीं इनके योग बेहतर होते रहेंगे। दूसरा, ये अपने हाथ से लिखें कि मुझे मेरे पोटेंशियल के हिसाब से जॉब मिल गई है, ऐसा 7 बार अगर ये दिन में लिखेंगे और लगातार 21 दिन तक लिखेंगे तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं से जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आनी शुरू होंगी और ये आपका नाम रोशन करेंगे, आगे के कार्ड्स अच्छे हैं। जी, मेरी तरफ से शुभकामनाएं। चले, अंजलि भी हमारे साथ जुड़ गई हैं असम से। पूछिए अंजलि, क्या पूछना चाहती हैं आप? हाँ, मैं मेरे हस्बैंड के बारे में पूछना चाहती हूँ। क्या डेट ऑफ बर्थ है? 30 मार्च 1970। 30 मार्च 1970। ओके, टाइमिंग क्या है? टाइमिंग 6:32 PM है। और प्लेस? असम। जन्म स्थान? जन्म असम बरपता है। असम, हाँ असम। क्या जानना चाहती हैं इनके लिए? उनके बिजनेस के बारे में जानना चाहती हूँ, अभी बिजनेस लॉस हो रहा है। किस चीज़ का बिजनेस है आपके हस्बैंड का? हस्बैंड का पेट्रोल पंप है, इंडियन ऑयल का। पेट्रोल पंप है, इंडियन ऑयल का। पेट्रोल पंप हाँ। अच्छा, देखिए, ये आपका, आपके हस्बैंड का जो बिजनेस है वो उनका इंडिविजुअल है या पार्टनरशिप में है? क्योंकि पार्टनरशिप बहुत ज़्यादा सूट नहीं कर रही है आपके हस्बैंड को। और दूसरी बात, तो इंडिविजुअल है और अच्छा। एक अभी नया नया शुरू हुआ है 2 साल पहले। अच्छा, देखिए, एक तो पार्टनरशिप और के नाम से लिया। अच्छा, पार्टनरशिप ना करें। और दूसरी बात, हाँ, अगर किसी और के नाम से है तो वो अच्छी बात है, क्योंकि बुध देखिए इनका नीच का है, लग्नेश है, और जब बुध नीच का होता है या चंद्रमा नीच का होता है तो बिजनेस में बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन्स रहते हैं। तो कुछ उपाय करवाइए आप इनको बुधवार के, तभी इनका बिजनेस दोबारा से पटरी पर आएगा। दूसरी बात, शनि मंगल का योग है, ये थोड़ा इनकी आदत थोड़ा उलझने वाली है, कुछ नेचर ऐसा है कि ये बहुत ज़्यादा स्टक हो जाते हैं। कहीं ना कहीं जो आपके बिजनेस में जो दिक्कत आ रही है उसके पीछे इनका बिहेवियर, इनका नेचर बहुत ज़्यादा है, तो उसको थोड़ा बदलने के चांसेस हैं। और कहीं ना कहीं पैसा इनका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, जिसको कहते हैं कि मार्केट में या तो फंसा हुआ है या कहीं ना कहीं लॉस हुआ है पैसों का। बहुत सारा नुकसान हुआ है अभी, बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है, वो बिकॉज ऑफ बुध। तो देखिए, बुधवार का उपाय कीजिए, तो अगर आप इनको हो सके तो एक पन्ना पहना सकती हैं, पन्ना नहीं तो उसका सब्स्टिट्यूट होता है ओनेक्स, वो भी आप पहना सकते हैं। और अगर वो भी चलिए पॉसिबल नहीं है तो तुलसी में नियमित रूप से इनसे कहिए कि तुलसी में जल डालना शुरू करें, भगवान गणेश को दूर्वा चढ़ाएं। अदरवाइज बिजनेस इनका बहुत अभी ठीक होता नज़र इसलिए नहीं आ रहा है कि जब तक ये शनि का गोचर चल रहा है कुंभ में, तब तक आप समझिए 6 से 7 महीने, उसके बाद और कुछ चेंजेस कीजिए। बिजनेस आप इनके नाम से हटवा के या तो अपने बच्चे के नाम पे आप करवा सकते हैं। तो अगर ये अपने बच्चे के नाम पे बिजनेस करते हैं तो मुझे लग रहा है थोड़ा अच्छा रिजल्ट इनको मिलेगा। बुधवार के दिन छोटे बच्चों को आप या तो खाना खिला दीजिए या उनको टॉफ़ी, चॉकलेट, बिस्किट ये देना शुरू कीजिए।
दूसरी बात, अपनी बहनों के साथ आप अपने हस्बैंड से बोलिए कि उनकी अपनी बहनों के साथ या अपनी जो मौसी हैं, बुआ हैं, उनके साथ रिलेशन अच्छा करें। अपनी बहन को कोई गिफ्ट दें बुधवार के दिन, क्योंकि बुध जब तक ठीक नहीं होगा इनका बिजनेस ठीक नहीं होना है। सेकंड, राहु में चंद्र चल रहा है, एक टाइम का खाना किचन में खाना शुरू कीजिए। देखिए इसके बहुत मैजिकल रिजल्ट मिलते हैं। पुराने समय में हमारे जो दादी नानी थे उनके, आप अगर आप सोच रहे हो तो वो लोग किचन में बैठ के खाना खाते थे। तो एक टाइम अगर आपके हस्बैंड किचन में कुछ भी खाना खा लें, स्नैक्स ले लें, चाय पी लें, तो उनका राहु एक तो बैलेंस होगा। यहाँ राहु छठे भाव का है। बुध और राहु के उपाय कीजिए और डेफिनेटली देखिए भगवान शिव की कृपा होगी और 2025 फरवरी के बाद, 16 फरवरी के बाद इनके बिजनेस में काफ़ी चेंजेस हैं और इम्प्रूवमेंट है, अच्छा होगा। लेकिन थोड़े से चेंजेस कीजिए, अपने नाम से ये बिजनेस शिफ्ट कर दें किसी और के नाम पर, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए काजल भी हमारे साथ जुड़ गई हैं दिल्ली से, उनका भी रुख कर लेते हैं। बताइए काजल, क्या पूछना चाहती हैं आप? हेलो मैम जी, मैं एक्चुअली अपनी स्टडीज और शादी के बारे में पूछना चाहती हूँ। मेरा मन एक्चुअली अभी बहुत ज़्यादा खराब रहता है आजकल, इमोशनल बहुत वीक हो चुकी हूँ मैं, और गवर्नमेंट जॉब के लिए भी पूछना चाह रही हूँ मैं कुछ। काजल जी अपना पूरा नाम बताइए एक बार। काजल खन्ना। काजल खन्ना। खन्ना जी, अपने अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए काजल जी। 3rd April 1997। देखिए तीन नंबर है, जुपिटर का नंबर है, तो यानी मतलब ये बड़ा ऑब्वियस सा है, क्योंकि डोमिनेट करना और लीडरशिप क्वालिटीज़ आपके अंदर इनबॉर्न होती हैं, लेकिन जब हम वो हासिल नहीं कर पाते, यानी कि जिस मुकाम के लिए हम बने होते हैं जब वो हम हासिल नहीं कर पाते, तो कहीं ना कहीं डिप्रेशन और एनजाइटी आपके अंदर आती है। लेकिन फिलहाल सबसे पहली चीज़ तो आप ये करिए कि विश्वास रखिए कि समय आपका बेहतर होगा, आप डिप्रेशन में या परेशान बिल्कुल भी ना होइए। देख लेते हैं आपके कार्ड्स यहाँ पे क्या कहते हैं। ये रहे आपके कार्ड्स जो मैं उठा रही हूँ इस वक्त लाइव, तो देख लेते हैं ये आपके कार्ड्स यहाँ पे क्या कह रहे हैं। लाइव आपके कार्ड्स मैं उठा रही हूँ, लिमिटेशंस अपने आप दिखा रहे हैं, यानी फिलहाल आप जिस सिचुएशन में कहीं ना कहीं लिमिटेशंस आ रही हैं। रिलेशनशिप कार्ड आपका आया है, यानी कि आपका जो लाइफ पार्टनर है वो आपकी लाइफ बदल देगा, यानी कि शादी का योग आपका इस साल के अंत तक बनेगा। और शादी के बाद री इंकारनेशन कार्ड आया, यानी कि एक नया जन्म जैसा होगा, बहुत सारी चीज़ें आपके साथ बदलेंगी और आपकी लाइफ धीरे धीरे बेहतर होने लगेगी, लेकिन आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। एक हल्दी की गांठ को आप मौली में बांध के अपने पर्स में रखिए, या फिर आप शिव पार्वती जी को अपने मंदिर में स्थापित करिए, वहां पे अर्पण कर दीजिए, इस इंटेंशन के साथ कि आपका शुभ विवाह हो गया है और आपको आपका मनचाहा वर मिल गया है। और इसके साथ साथ आप जैसे अब श्रावण मास का ये महीना चल रहा है, तो आप इस वक्त ये कर सकती हैं कि शिवलिंग पे आप बेलपत्र आप दान करिए और इस इंटेंशन के साथ दो लौंग लेकर जाइए और कपूर लेकर जाइए और दो लौंग शिवलिंग पे चढ़ा दीजिए और इस मनोकामना के साथ चढ़ाइए कि आपको आपका मनचाहा वर मिल जाए, और साथ ही में कपूर वहाँ पे आप जला दीजिए। और अगर आप वहाँ पे जल चढ़ाती हैं तो थोड़ा सा जल अपने घर भी लेकर आइए, उसे अपने बेडरूम में छिड़क दीजिए। अगर आपको रोज़ क्वार्ट्स का पिरामिड मिले, तो वो पिरामिड आप अपने रूम में इस इंटेंशन को लिख दीजिए 21 बार कि आपकी शादी हो गई है, और उस पिरामिड को आपको इजीली मिल जाएगा, आपको ऑनलाइन मिल सकता है या किसी भी क्रिस्टल शॉप पे मिल सकता है उसे, क्योंकि रोज़ क्वार्ट्ज़ जो क्रिस्टल होता है वो रिलेशनशिप्स के लिए होता है, रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आए उसके लिए होता है। आप 21 बार ये लिख देंगी तो आप देखेंगी कि आपको वर जो है वो मिल जाएगा, और उसके बाद ही आपके जॉब के और करियर के बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज शादी के बाद खुलेंगी, बनेंगी अपने आप। और अगर फिलहाल आप थोड़ी सी ज़्यादा परेशान हैं तो आप एमेथिस्ट धारण करिए। एमेथिस्ट यानी कि अगर आप एमेथिस्ट को अपनी मिडिल फिंगर में या रिंग फिंगर में भी पहनेंगी तो उससे भी आपको दिमाग की शांति मिलेगी। आप वो सिल्वर में पहने तो और बेहतर होगा आपके लिए, यू विल फील बेटर, और कहीं ना कहीं आपके अंदर जो ये इस वक्त सैडनेस है वो दूर होगी। वेनसडे के दिन आप एमेथिस्ट को पहनिएगा तो आप देखेंगे बहुत चीज़ें बेटर हो जाएंगी जी। ठीक है, चलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप दोनों ने अपना कीमती समय दिया और तमाम उपाय आपने हमारे कॉलर्स को बताया। फिलहाल के लिए इस प्रोग्राम में इतना ही।